अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह सुबह आपको पता है कि एक वीडियो आपके नज़रों से गुजरी होगी, और जब से दुआ ज़रा केस में आपको पता है कि दुआ के जब प्रूफ वीडियो वगैरह मिली हैं, जब से दुआ बाजियाब हुई है कि ये एक वाकई गैंग है जो ज़हीर खुद इसको ले गया है। दुआ खुद अकेली नहीं गई। जो लोग फसला फुसला के दुआ से गलत इंटरव्यू दिलवा रहे थे, तो आज आप उनके ज़बानी सुने कि वो क्या कह रहे हैं। आज सुबह सुबह रोना धोना, तो अल्लाह के आगे माफियाँ। तो इसको नहीं पता था जनैरा माहूम को कि मैंने भी एक बाप का दिल दुखाया है, और फिर इसने झूठा कुरान पाक सर पे रखा है। तो वो तो बाप था, इसको नहीं पता था कि मैं किसी बाप के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही हूँ, ज्यादती कर रही हूँ। तो क्या वो बाप नहीं है? जनैरा माहूम खुद बेटी नहीं है किसी बाप की। इसको नहीं पता अगर मेरे बाप के बारे में कोई ऐसा बोले मैं तो कैसा लगेगा? बेशक दुआ ज़ारा को लेके चला गया, अब तो जाहिर बात है सामने पता चल गया दुआ ज़ारा को ये लेके गए। दुआ ज़ारा अकेली नहीं गई, लेकिन अब जब से झूठ अब इसका पकड़ा गया है, सामने आने वाला बस कुछ ही टाइम है। जब दुआ ज़ारा गिरफ्तारियाँ तो आपको पता जा रही हैं जाहिर के फैमिली के ऊपर, क्योंकि ये 33 लोग शामिल थे इस गैंग में। तो अब गिरफ्तारियाँ हैं, तो अब सुबह सुबह मैडम का रोना, छः बजे रोना दोनों, तो आज बुरा हाल। तो इसने इतना नहीं देखा कि अल्लाह में किसी बाप का दिल दुखा रही, इसने एक बाप के दिल से खेला और उसको फिर बुरा भला बोला है बाप को। आपको पता है बाप माँ बाप कैसी हस्ती होती है, किस मुश्किल से औलाद को पालते हैं। चाहे औलाद गलती भी कर ले तो माँ बाप तो बड़े हैं, माँ बाप तो समझा सकते हैं, लेकिन इस वायर यूट्यूबर ने जो चार चार बंदे लाई बैठ बैठ के, तो इसने माँ बाप को ऐसा बुरा भला कहा, ये काजमी भाई ऐसे हैं, काजमी भाई ऐसे हैं। लेकिन आज इसको पता चल गया हो गया कि अल्लाह पाक ने काजमी भाई का जो साथ दिया है, अल्लाह पाक ने एक गैंग को दोबारा से, ये तो बच गए थे, अब 3 महीने से केस था, अब तो केस में कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा सिला मनाया कि काजमी साहब को अपनी बेटी का मालूमात हो गई कि क्या है। मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि जो काजमी भाई हैं, माँ बाप अपनी औलाद को जानते हैं, वो पहले से ही रो रहे थे कि मेरी बेटी खुद से नहीं गई, इसको लेके गए नहीं जी, इन्होंने मानना ही नहीं, इसने सच्चा यूट्यूबर उसको को सच्ची बनी थी, अब इसको मर्जी लग गई है। अब सुबह सुबह रोना धोना, होस्ट एंकर तो दूर की बात, आज तो बुरा हाल था। तो इसको कोई रोना धोना नहीं, ये सब अब ड्रामे कर रही है कि मैं बच जाऊँ, लेकिन ये बच नहीं सकेंगे किसी भी हाल में। आ रहे हैं ना कि हम रोने से बच जाएंगे, ये किसी भी हाल में बच नहीं। इन्होंने एक माँ बाप का दिल दुखाया है, दूसरा नंबर इसने झूठा कराने पाक उठाया है। एक बाप के दिल पे कितनी गुजरी, अगर एक बाप अपनी बेटी के लिए कुरान पाक उठाता है तो वो सच्चा है, लेकिन नहीं, ये तीसरी जगह ये कौन थी दुआ ज़ारा की इतनी खास और ज़ाहिर की अपनी लग गई कि ये इसने कुरान पाक उठाया कि मैं कुरान पाक उठाती हूँ, मैं कुरान पर हाथ रख के बताती हूँ। तो अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, गिरफ्तारियाँ जारी हैं, आपको पता है बहुत जल्द ज़ाहिर कब्जे में आ जाएगा, और अभी इसको दुआ ये हो गया तो वो हो गया, अब ये कहीं नहीं बचेगी। और सिर्फ आज आप इनकी शक्ल देखें, हालत देखें, आज इनका ना रोना धोना ख़त्म ही नहीं हो रहा है जी। आज होस्ट एंकर तो दूर की बात, आज उनका बुरा हाल है, मुझे लगता है कि आज पता नहीं ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं। तो कसम से ना खुदा, अल्लाह के आगे माफ़ी मांगनी चाहिए। बेटियाँ सबके साझी हैं, बेटियाँ गलती कर लेती हैं मासों में, और अब आपको पता है कि ये भी पता चल गया दुआ ज़रा पहले भी 14 साल की थी, इन्होंने झूठे कागजात बनवाए, इन्होंने हर चीज़ में 2 नंबरी करवाई, इन्होंने मतलब पूरा उस गैंग को सपोर्ट किया क्योंकि ये खुद उनका हिस्सा थे। तो अब जनैरा माहूम जितनी रोए, जनैरा माहूम जो करे, लेकिन जनैरा माहूम बच नहीं सकती। हाँ अलबत्त नमाज़ पढ़ के अल्लाह से तौबा कर ले, दुनिया फिर भी शायद इसको माफ़ कर देगी, काजमी भाई फिर भी शायद एहसास कर लेंगे क्योंकि वो एक बेटी के वालिद हैं, लेकिन इसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। ये जो आज रोई है या जो सुबह सुबह इसने ड्रामा शुरू किया है, इसको अल्लाह ताला की तरफ से लानत पड़ गई है, क्योंकि इसने एक बाप का दिल दुखाया, इसने एक बाप को बुरा भला कहा है, और फिर उसके बेटी के इंटरव्यू करवा के उससे जो बुलवाया जा रहा था वो बुलवाया है। ये तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसको पता है कि दुआ अब जाएगी जब इनके पास, तो दुआ ने तो सब कुछ बता देना है, वो तो मासूम सी बच्ची है, बच्ची के बारे में बंदा क्या कहे। तो बाकी जी आज आप अरुण सच का साथ देता है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि दुआ बच्ची है और वो बच्ची ही है। तो लांडी गया जेल में, डॉक्टर साहब तो टैक्सी ड्राइवर निकले, तो डॉक्टर साहब अब नहीं बच सकते, डॉक्टर साहब जितनी कोशिश करें डॉक्टर साहब नहीं बच सकते, डॉक्टर साहब अपनी हैर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब की माँ ने इतना नहीं सोचा कि मैंने किसी बाप के साथ जुल्म किया, अगर तुम्हारी बेटी नहीं है, डॉक्टर साहब की माँ को नहीं पता था कि मेरी बेटी नहीं है, कम अज़ कम दूसरों की बेटी की कदर करो, तो तुम्हारी बेटी नहीं थी, तुमने दूसरों पर जुल्म किया, अल्लाह ताला तुम्हें इसका